प्लीज याद दिलाते रहो मैं आपको. ओके नाउ आई स्टार्टेड, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू. सी आप लोग टाइम पे आए तो मैं इमीडिएटली आई कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग, बट आप लोग टाइम पे नहीं आते, 5-10 मिनट लेट करते तो उसमें मुझे आपको अलो करने तक रिकॉर्डिंग पॉज करना पड़ता, तो मैं कभी कभी भूल जा रहा हूँ. प्लीज यू रिमाइंड मी, एटलीस्ट इतने में से कोई तो याद दिला सकता. एनीवे टुडे आई एम स्टार्टेड, प्लीज रिमेंबर दिस वन. हाँ नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग दैट कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड यूजेस ऑफ कंसिस्टेंसी लिमिट्स, मींस व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिक्विड लिमिट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लास्टिक लिमिट, व्हाट इज द यूज ऑफ श्रिंकेज लिमिट, एंड वेयर दीज लिमिट्स आर यूज. एक्चुअली लिमिट्स है क्या, ये कहाँ पर यूज होते हैं, हमें क्यों इसके बारे में इतना डिटेल पढ़ रहे. फर्स्ट ऑफ ऑल द कंसिस्टेंसी लिमिट्स and related indices are very useful for soil identification and classification. Classification of silty and clay soils by HRB and USCS systems are based on liquid limit and plasticity index. So, सबसे बड़ा important use ये तीन limits का, that is plastic limit, liquid limit और shrinkage limit. और उसके बाद इनके जो इंडाइसेस है, फ्लो इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स, तो ये सभी इंडाइसेस और ये लिमिट्स का सबसे बड़ा द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इन मेकिंग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स. सो नेक्स्ट टॉपिक इज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स. जब हम सॉइल को क्लासिफाई करते so at that time there are different methods. Next topic when I start you will come across that what is classification of soil. देखिए subsoil, हम लोग sand को भी soil बोल रहे. देखिए geotechnical engineering में हम लोग sand को भी soil बोल रहे और एक बड़ा boulder है पत्थर उसको भी soil बोल रहे. जो आप fine aggregate use कर रहे concrete lab में उसको भी soil बोल रहे. जो silt है उसको भी soil बोल रहे. जो clay है इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉइल. एंड जो कोर्स एग्रीगेट है उसको भी सॉइल बोल रहे. तो सॉइल का साइज माइनट माइक्रोन से लेके बड़े बड़े फीट तक जा, 2 फीट का डायमीटर वाला बोल्डर भी हो सकता आपका, 4 फीट का भी हो सकता. सो हाउ द सॉइल इज क्लासिफाइड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी जनरली आप छोड़ दो टेक्निकल डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है सॉइल को कैसा टेक्निकली क्लासिफाई करना. सो दैट यू विल स्टडी आफ्टर दिस टॉपिक. सो क्लासिफिकेशन सॉइल में ये जो लिमिट्स है, लिक्विड लिमिट, कंसिस्टेंट प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट्स प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जस्ट एज HRB मेथड्स और USCS मेथड और इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन मेथड. तो इन मेथड्स में हम किसी भी सॉइल को, अगर से आपको बोला इस सॉइल का लिक्विड लिमिट इतना है, तो फटाक से बोल सकते हैं आप दिस सॉइल बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. अगर से हम बोले इस सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स इतना है, सो वी कैन से दैट दिस सॉइल बिलोंग टू इन दिस कैटेगरी. तो इन सॉइल आइडेंटिफिकेशन एंड इन क्लासिफिकेशन, स्पेशली इन HRB एंड USCS सिस्टम, ये सिस्टम है जैसे आपके पास यूनिट्स का SI सिस्टम है, MKS सिस्टम है, FAS सिस्टम है, CZS सिस्टम है, उसी तरह सॉइल क्लासिफिकेशन करने के वी आर हैविंग डिफरेंट मेथड्स एंड सिस्टम्स. सो इन HRB मेथड एंड USCS सिस्टम्स सॉइल्स आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स. So liquid limit आपको मालूम है WL and plasticity index is nothing but IP is equal to liquid limit minus plasticity index. So based on the plasticity index and liquid limit, so based on these values, so we can classify the soil. So one of the most important use of these indices and limits is क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल. ठीक है. सो वी आर डीलिंग विद द टॉपिक व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड यूजेस ऑफ कंसिस्टेंसी लिमिट्स एंड इट इंडाइसेस. सो द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ दीज लिमिट्स एंड इंडाइसेस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. Especially liquid limit and plasticity index plays very important role in HRB system and USCS system for classification and identification of the soil. तो प्लीज ये नोट से ज्यादा आप समझने की कोशिश करो. मैं जो भी बोल रहा हूँ आपके दिमाग में बैठ गया तो
इट विल बी इजियर फॉर यू. आप रट के एग्जाम लिख के 100% पास हो सकते. मैं आपको बार बार ये बात क्यों समझाता हूँ कि आप पढ़ाई ऐसा करो. और सबसे बड़ा वन एडवांटेज यू गॉट इज दिस इज आई मीन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यू कैन कॉल बिकॉज एट प्रेजेंट टाइम नो अदरवाइज देखिए सपोज रेगुलरली क्लासेस शुरू होते थे जून में शुरू होते थे क्लासेस अब तक 50% सिलेबस हो जाता था. अब तक आप दो यूनिट लिखते थे टेस्ट लिखते थे यू वुड हैव रिटन टू आईएससीज एंड ऑलवेज देयर इज प्रेशर फॉर यू राइट फ्रॉम मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 5 एंड देन प्रैक्टिस सेशंस देन गोइंग टू हॉस्टल अगेन नाइट क्लासेस. यू रेयरली यूज टू गेट टाइम फॉर यूर एक्स्ट्रा स्टडी. But now this time, hardly 4-5 hours you attend online classes. I don't know how much seriously you are attending. Apart from this, you are having plenty of time without any pressure. That is the important thing here. Without any pressure, you are not writing any UT, any OBT, any THT, any assignment, any book, any lab. So all these time you utilize in studying, please. And try to study, not only I am telling about GT, whatever the steel structures also, again, I'm telling you. So you understand the concept of that one. So this is very important and that is going to help you. That's why I'm going very slow, detail, repeating and repeating, because I don't have the compulsion of completing the syllabus in particular time. Because if compulsion was there, then I would have to study in a different way. But here we have time, so please, we will do it easily. जब यूनिवर्सिटी एग्जाम डिक्लेयर करेगी मैं आपको सिलेबस 15 दिन में खत्म करके देता हूँ. सिलेबस कंप्लीशन फॉर यूनिवर्सिटी इज एंटायरली डिफरेंट थिंग फ्रॉम स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट. सो प्लीज इट इज माय रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. हम कंसिस्टेंसी पढ़ रहे तो आखिर कंसिस्टेंसी है क्या, ये लिमिट्स क्या क्या है और ये कहाँ का यूज हो. तो हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं अब सिग्निफिकेंस एंड यूजेस ऑफ कंसिस्टेंसी. तो याद रखिए ये जो लिमिट्स है सबसे पहले आपको यूज हो जाएंगे क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड स्पेशली लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी लिमिट. सो हाउ इट इज यूज्ड व्हेन आई टेक द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स यू विल कम अक्रॉस यू विल नो एट दैट टाइम. लिक्विड लिमिट इस पर्टिकुलर सॉइल का लिक्विड लिमिट इतना है तो ही इज बेस्ट. हम जैसा बोलते हैं he has scored 60%. So in between 60% to 70% he is first class. Suppose somebody has scored more than 70%, we say he has passed with distinction. So same thing here. If the particular soil has liquid limit, particular liquid limit or particular plasticity index, so we can say that the soil belongs to this particular type. So there are various ways of classification of soil. So one way I am telling you, HRV system or USC system may liquid limit or plasticity plays an important role in classification of soil and identification of soil. Got it? This is the first use. Now second use. And one more thing I will tell you, whatever the consistency of soil we have studied, no? Whatever the consistency of limit we have studied, these are totally for which type of soils? Can anybody write in the chat box? Consistency of soil kisko applicable hai? I want the answer in the chat box. Akhil, aap sun rahe kya? Mere ko malum hota. I want the answer in chat box. Consistency of soil. Ye kisko applicable hai? Kis type ke soil ke liye? Aur kahan par ye applicable nahi hai? That I want to know when somebody has answered. Yes, Sonali, bilkul right. Yes, fine. Oh, saturated, yes. Saturated, Saurabh. Even if it is not such, of course, some soil should be there. But if it is dry also, we are studying it. You cannot say, but clay is okay. Fine. Fine soil. Not aggregate the term you can use here. You can use in concrete technology. But you are right. It is for fine soil it is used. Fine rana padta. और सपोज करो सैंड है कोहेजन लेस है तो वहां पर मोर कोहेजिव रहना पड़ता है. कोहेजिव क्या है कोहेजन से बाद में बताता हूं आपको. और यहाँ पर पानी उसको सैचुरेटेड फुली सैचुरेटेड तो चलता ड्राई भी है थोड़ा पानी का कंटेंट रहना और वो पानी कैसा पास होना. अगर से आप सैंड लेंगे पानी डालेंगे तो सैंड इज मोर परमेबल उसमें से पानी बह के जाएगा. जब उसमें पानी रुकेगा ही नहीं तो हम उसका लिमिट कैसा स्टडी करेंगे. सोनाली Yes, you are following me, no? So, अगर से आप सैंड में पानी डालेंगे सैंड अभी परमेबिलिटी नेक्स्ट चैप्टर परमेबिलिटी है तो सॉइल की जो एबिलिटी रहती है पास करने की पानी को उसको बोलते हैं परमेबिलिटी.
दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी अगर से सैंड की बहुत ज्यादा है तो जो पानी आप सैंड में डाल रहे वो पूरा निकल जा रहा है, तो जब निकल जा रहा है वहां पर तो आप स्टडी कंसिस्टेंसी कहां से करेंगे। अगर से सॉइल थोड़ा बहुत पहले ड्राई था फिर थोड़ा पानी डाले तो रिटेन करते गया और बाद में पूरा रिटेन करके लिक्विड हो गया, तभी हम देन ओनली वी कैन स्टडी अबाउट प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट एंड श्रिंकेज। गॉट इट? सो नेक्स्ट इज द लिक्विड लिमिट ऑफ क्ले इंडिकेट्स इट्स कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है, कंसोलिडेशन क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है, कंसोलिडेशन क्या है, ये भी एक चैप्टर है। देखिए मैं आपको जनरल भी थोड़ा बहुत डिस्कस करते जाता हूँ, कॉम्प्रेशन क्या है और कंसोलिडेशन क्या है, कॉम्पैक्शन क्या है, कॉम्पैक्शन क्या है, कंसोलिडेशन क्या है। कॉम्पैक्शन मतलब क्या है मालूम है, अगर से सॉइल है लूज है तो हम उसको क्या करते हैं, डेंस करते हैं। कैसा करते हैं, इस डेंस सॉइल को, यस सोनाली बिल्कुल राइट, आई थिंक यू आर फ्रॉम डिप्लोमा, ओके सो थिंक हियर, उसको मालूम है। कॉम्पैक्शन में क्या करता करते हम लोग, सॉरी ट्रैक्टर चलाते और सॉइल जो लूज रहता ना वो दब जाता। देखते ना आप स्टेडियम में पिच बनाते आपका क्रिकेट का, ऊपर हम रोलर चलाते या ट्रैक्टर चला देते, तो हम ऐसा क्यों करते, क्योंकि जो सॉइल लूज था वो दब जाता। अच्छा दब के क्या होता मालूम है, जो सॉइल में वाइड्स रहते ना उसमें जो एयर रहता ना वो एक्सपेल हो जाता, जो वट एवर द एयर इज देयर इन वाइड्स दैट इज एक्सपेल्ड। और जब व्हेन सॉइल एयर इज एक्सपेल्ड द dry or whatever the solid particles of soils are there, they will come closer, and when they come closer they will be compacted, they will become dense and their strength is increased. This process is called compaction. Matlab compaction is a not a natural process, it is a artificial process, aur isko humko karna padta hai. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन। किसी भी एग्जाम में जाओ, प्रैक्टिकल एग्जाम में, इंटरव्यू में या वाइवा में यही पूछते पहले। तो कॉम्पैक्शन क्या है, ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है। कॉम्पैक्शन क्या आर्टिफिशियल प्रोसेस है, कंसोलिडेशन नेचुरल प्रोसेस है, वो अपने आप होता, लेकिन कॉम्पैक्शन को आपको करना पड़ता। और कॉम्पैक्शन में हम क्या करते, रोलर चलाते या कुछ भी फोर्स लगाते, और फोर्स लगा के वट एवर द एयर इज देयर इन द वाइड स्नो दैट एयर इज एक्सपेल्ड, दैट एयर इज एक्सपेल्ड, दिस इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन। बट इन कंसोलिडेशन जो एयर के साथ पानी रहता ना वाइड्स में वो पानी भी चला जाता, लेकिन ये इतना आसान रीति से नहीं जाता। कंसोलिडेशन बहुत नेचुरल है लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है। सपोज करो ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन मॉइस्ट है, ऊपर आप बिल्डिंग बांधे तो बिल्डिंग के प्रेशर से जो फाउंडेशन पे जो आपका ये गिर रहा, फाउंडेशन पे जो आपका वजन गिर रहा बिल्डिंग का, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो the water is expelled here. यहाँ पर जो वाइड से वाटर एक्सपेल हो जाता और वाटर एक्सपेल होने से जो प्रोसेस बनता इट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। तो कंप्रेसिबिलिटी कंसोलिडेशन में आपको डिटेल में बाद में बताते जाऊंगा, ये एक एक लंबे लंबे चैप्टर्स है। तो फॉर द टाइम बीइंग इतना ही याद रखो आप, कॉम्पैक्शन में एयर रिलीज होता, कंसोलिडेशन में वाटर रिलीज होता। और कंपैक्शन और कंसोलिडेशन से कॉम्पैक्शन आर्टिफिशियल है जबकि कंसोलिडेशन नेचुरल है, बस इतना याद रखो टाइम भी। तो अब लिक्विड लिमिट जो है, ये किसी भी सॉइल का लिक्विड लिमिट जो है, किसी भी सॉइल का लिक्विड लिमिट जो है वो कॉम्प्रेसिबिलिटी डिनोट करता। अगर से हायर लिक्विड लिमिट है तो उसका कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा रहता, मतलब किसी भी लिक्विड का लिक्विड सॉइल का लिक्विड लिमिट इफ इट इज मोर so it is going to compressed more, which is compressibility is more here. So remember this is very very important. Isko underline, matlab underline to aap likh rahe nahi, aap underline but dimag mein bita do, when I give the notes you underline it, or when you prepare the notes underline it. Is waqt aap sirf samjha karo, exam ke bare mein mat socho. Higher the liquid limit, higher is the compressibility, this you should know. Higher is the liquid limit, higher is the compressibility.
The compression index of the normally consolidated clay is found to be dependent on the liquid limit. तो जब आप कंसोलिडेशन चैप्टर पढ़ते वहां पर एक फॉर्मूला है सीसी बोल के निकालना पड़ता, दैट इज कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन, वहां के फॉर्मूले में लिक्विड लिमिट यूज होता। तो इसका मतलब आपका बोलने का मतलब इतना, मैं सारा बोलने का एक ही ओनली द इन कंक्लूजन व्हाट आई वांट टू टेल इज लिक्विड लिमिट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंसोलिडेशन एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी। द मोर द लिक्विड लिमिट, more the soil compresses, more the compressibility, less the liquid limit, less the compressibility, less the compressibility. Got it? Got this idea, please? So following me, so this is the second important use and importance of liquid limit. First of all, liquid limit and plasticity index we have used in classification and identification of soil. Second, the liquid limit of clay indicates its compressibility. More the liquid limit, more the compressibility. More the sugar, more the tea is sweet. Less sugar, it is less sweet. Same thing, more the liquid limit, more compressibility. And ek formula hai compression index nikalne ka, CC, even coefficient of consolidation also nikalne ka, wahan par liquid limit use hota. To is sab is paragraph ka conclusion yahi hai कि लिक्विड लिमिट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कंसोलिडेशन एंड मोर द लिक्विड लिमिट मोर द कंप्रेसिबिलिटी। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो दो चीजें क्लियर हो गए आपको, एक लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स हम आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स में यूज होता, दूसरा लिक्विड लिमिट ज्यादा है तो कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा होता, कंसोलिडेशन के कॉम्प्रेशन इंडेक्स निकालने में भी हम लिक्विड लिमिट यूज करते। Got it? So these two are the important things. अगर से आप अच्छी तरह समझे, दिमाग में रख लिए, रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ यू इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो यू कैन राइट ऑल द थिंग्स। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टडिंग एंड रटिंग। जो रट करते आप मेसमराइजिंग करते पूरा, उसमें ये डिफरेंस है। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, द प्लास्टिक लिमिट of a soil depends both on the amount and type of clay in the soil. देखिए आप इसको ये समझने के लिए आपको और जब डिटेल में जाना पड़ता, क्ले कभी भी कब बनता, उसमें एक स्पेशल टाइप का मिनरल रहता। अगर से डिप्लोमा के लड़के हैं तो उनको मालूम होगा मिनरल, वो कौन सा मिनरल है, कोई अगर से चार्ट बुक्स में लिखे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो एक टाइप का, अभी मैंने बताया आपको इस वक्त, एक स्पेशल टाइप का मिनरल है, वो अगर से सॉइल में प्रेजेंट हो गया तो वो क्ले बन जाता। आप समझते क्ले मतलब पानी डालने से क्ले, क्ले ऐसा नहीं है, क्ले इज डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। आप पानी डालते ये क्ले, क्ले ऐसा नहीं रहता। क्ले, क्ले के और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज है। ओके, तो प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ सॉइल डिपेंड्स ऑन बोथ ऑन द अमाउंट एंड टाइप ऑफ क्ले। मतलब कोई भी सॉइल लिए उसमें क्ले पार्टिकल्स कितने हैं, उसमें क्ले पार्टिकल्स कितने हैं और उसका टाइप क्या है। क्ले के बहुत सारे टाइप्स है, ये डिसाइड करता प्लास्टिक लिमिट। तो प्लास्टिक लिमिट का यूज क्या है कि किसी भी सॉइल में क्ले का टाइप कौन सा है और कितना क्ले है उसमें, ये डिसाइड करता प्लास्टिक लिमिट। बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ प्लास्टिक लिमिट, based on the value of plastic limit we can decide that what is the type of clay, what is the type of clay and what is the amount of clay, what is the amount of clay. So this is again one of the most important use of consistency of soil, that is plastic limit. So once again I will remind you, liquid limit is used for, liquid limit and plasticity index are used for deciding identification and classification of soils. Liquid limit is also important in deciding the compressibility. More the liquid limit, more the compressibility. And second thing, compression index nikalne mein bhi liquid limit, wo formula main aapko bataunga to aapko pata chalta ki usme liquid limit rehta. And third thing is plastic limit decides in a particular soil how much clay is there and what type of clay is there. Clay is decided by particular minerals, bahut sare alag alag minerals rehte hain usme present,
उस टाइप के ऊपर वो पर्टिकुलर टाइप का क्लियर रहता, और ये हम डिसाइड कर सकते बेस्ड ऑन दी, ये हम डिसाइड कर सकते बेस्ड ऑन दी आई मीन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड लिक्विड प्लास्टिक लिक्विड बेस्ड ऑन द प्लास्टिक क्वांटिटी ऑफ लिक्विड. सो यू विल गेट अ ब्रेक नाउ फॉर 2-3 मिनट्स, देन अगेन वी विल जॉइन. Somebody is having some doubt. Let me ask. Silica is okay, Mahesh. We are right. But particular name is there. It starts from M. You don't need or not. If you are from diploma, only you write. Otherwise, जो regular PU's 12th के बच्चे उनको मालूम नहीं होता. M से start हो. Magnesia, not beta, not magnesia. Okay, leave it. You need not worry about that much. Just I ask you.